हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का जो हमारा अलग से क्लास होता है, इंग्लिश मीडियम के हमने वीडियो बना लिए हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर हमने हिंदी मीडियम के भी वीडियो फिजिक्स के बना रहे हैं, जिसमें हम 12th फिजिक्स का इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा है विद्युत विभव तथा धारिता, इसका सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया विभव क्या है, विभवांतर क्या है, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या है। इस तरह से उस चैप्टर के बाद आपको ये सेकंड चैप्टर कंटिन्यूअस करना है, विभव तथा धारिता। और आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्पेशली धारिता, दैट मीन्स कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं धारिता। देखिए क्या है धारिता। धारिता कैपेसिटेंस, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, यदि हम सिर्फ कैपेसिटी की बात करें, धारिता की बात करें, तो धारिता का मतलब क्या होता है। एक सामान्य सेंस, यदि हम धारिता का एक सामान्य सेंस पर बात करें, तो नेचुरली आपके दिमाग में धारिता कहते ही ये सेंस क्लियर होता है, धारण करने की क्षमता। मतलब किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता। सपोज मेरे पास 5 लीटर का कंटेनर है, 5 लीटर का मेरे पास कोई बर्तन है, यदि उसमें मैं कोई द्रव भरूं, तो कितना वो द्रव अपने अंदर स्टोर करके रख सकेगा, 5 लीटर का। क्लियर, दैट मींस 5 लीटर इज इज कैपेसिटी, 5 लीटर क्या है उसकी क्षमता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर विद्युत और धारिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी आवेशित पिंड को आवेश देते हैं, तो वह उसको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, और उसके स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसकी धारिता कहलाती है। इस प्रकार से धारिता का सीधा सा अर्थ है कि आवेश को धारण करने की उसकी क्षमता। यह तो हुआ उसका मीनिंग। अब यदि हम इसके डेफिनेशन पर बात करें, तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि आवेश जो है वह विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर, तो चूंकि अपन जानते हैं क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, आवेश जो है विभव के समानुपाती होता है, क्योंकि हम किसी आवेशित पिंड पर जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका विभव भी बढ़ते जाएगा। दैट इम्प्लाइज, यदि इसको हम आगे साल्व करें, तो Q इक्वल यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक का गुणा करेंगे जो कि C है, तो यह हो जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V। और ये जो समानुपातिक नियतांक हमने यहाँ पर C लिया है, इसी को हम कहते हैं कैपेसिटी। इंग्लिश में कैपेसिटी, सी फॉर कैपेसिटी, और हिंदी में अपन क्या कहेंगे उसको, धारिता। इस प्रकार से सी क्या है, इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, इसकी धारिता है। दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सी के लिए सॉल्व करें, तो सी इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन वी। इस प्रकार से हम धारिता का फार्मूला लिखेंगे, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब यदि हम इसकी परिभाषा, यदि हम इसको परिभाषित करें, तो आप देखिए कि किसी भी भौतिक राशि को जब इस रूप में होता है, उसकी परिभाषा करने के लिए हम उसके हर को क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो यदि हम ये मान लें कि विभव क्या हो, इकाई हो, यदि विभव इकाई हो तो इसको इकाई मान लें, तो उस कंडीशन में C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से हम इसकी परिभाषा करें, तो परिभाषा कैसे हो जाएगा, क्लियर है, इकाई विभव पर उस पर जो आवेश की मात्रा है, मतलब हमारे पास कोई आवेशित पिंड है, और उस आवेशित पिंड का विभव यदि इकाई हो, तो उसमें जो उपस्थित आवेश है वह उसकी धारिता के बराबर होता है। लेकिन इसको हम बहुत क्लियर सेंस में उसको ढंग से बोलें, तो इस तरह बोलेंगे, किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है। देखिए, धारिता आवेश की मात्रा के बराबर है, कब, जब विभव क्या हो, इकाई हो। तो इकाई विभव का मतलब क्या है, इकाई विभव का यहाँ पर मतलब है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। ये ब्रॉड सेंस में उसका डेफिनेशन है। तो सीधा सीधा इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि के लिए आवश्यक हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊँ कि सपोज ये हमारे पास कोई आवेशित पिंड है। अब इस आवेशित पिंड का विभव मान लो 15 वोल्ट है, इसका विभव कितना है, 15 वोल्ट है। अब इसको 15 वोल्ट से मेरे को 16 वोल्ट करना है,
सपोज हमको इसके विभव को 15 से 16 करना है, मतलब कितने वोल्ट की वृद्धि करना है, 1 वोल्ट की वृद्धि करना है, तो इसके विभव में 15 वोल्ट से 16 वोल्ट लाने के लिए, मतलब उसके विभव में इकाई की वृद्धि करने के लिए मुझे जितने आवेश का जरूरत पड़ेगा, ये जो आवेश की मात्रा होगी वही आवेश की मात्रा क्या होगी, उसकी धारिता होगी। ये मतलब है इसका। यदि आप इसके डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड सेंस में नहीं समझेंगे तो आगे चल के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए कभी भी जब मैं इनिशियल स्टेज पर बात करता हूँ, किसी भी चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल पर बात करता हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि फिर आगे चल के आपको बड़ी परेशानी होगी। तो आपका धारिता का सेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसी भी आवेशित पिंड की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है, आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में, जो उसके विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है। अब इकाई वृद्धि मतलब चाहे 15 से 16 करे, 16 से 17 करे, 20 से 21 करे, 90 से 91 करे, मतलब उसके विभव में इकाई वृद्धि करना है तो जितना आवेश का मुझे जरूरत पड़ेगा वही आवेश की मात्रा उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके मात्रक की परिभाषा कि आप किसी भी भौतिक राशि का अपना एक मात्रक होता है, तो इसका जो मात्रक है वो है फैराडे। फैराडे ने दिया था धारिता को, इसलिए उनके नाम से हम उनकी मात्रा को फैराडे कहते हैं। तो 1 फैराड या 1 फैराड की यदि हम परिभाषा लिखें, यदि हमको परिभाषा करना है 1 फैराड का, तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला में हम ले लें, यदि आवेश की मात्रा को हम ले लें 1 कूलाम और विभव को ले लें 1 वोल्ट, तो उस कंडीशन में उसकी जो धारिता है उसको हम बोलेंगे 1 फैराड, 1 फैराड। तो परिभाषा एकदम क्लियर है। किस तरह से कहेंगे अपन, यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए, यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए 1 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो, या किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, हम उसको कैसा भी कह सकते हैं। देखिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि यदि आप चीज़ों को समझे हुए हैं तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको अपने शब्दों में बना सकते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता कितनी होती है, 1 फैराड, 1 फैराड होती है। क्लियर। दैट मीन्स क्लियर सेंस एकदम क्लियर है। यदि मैं किसी चालक को 1 गुलाम आवेश दिया, सपोज ये होल्डर मेरा चाक होल्डर एक चालक है, अब इसको मैं 1 गुलाम आवेश दे दिया, जैसे ही मैं इसको 1 गुलाम आवेश दिया तो इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई, मान लो 20 था तो 21 वोल्ट हो गया, तो उसके लिए उसकी धारिता क्या हो जाएगा, 1 फैराड हो जाएगा। क्लियर। ये इसका डेफिनेशन है। अब देखिए हम देखते हैं कि जब किसी चालक की धारिता पर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की आकृति की हमारे पास चालक है, जिसमें हम सबसे पहले एक गोली चालक पर बात करें, गोली चालक की धारिता। क्लियर। अपन देखते हैं गोली चालक की धारिता। सपोज हमारे पास एक गोली चालक है और उसकी धारिता कितनी हो सकती है, ये हम देखते हैं। कैपेसिटी आप है स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखिए ये एक गोली चालक है, इस गोली चालक को हमने सपोज प्लस क्यू आवेश दिया, इसकी त्रिज्या को हमने सपोज कर लिया मान लो आर। प्लस क्यू आवेश देने पर इसकी धारिता, मतलब ये कितने आवेश को धारण कर सकेगा, इसका हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विभव होगा V=, चूंकि गोली चालक क्या होता है, बिंदु आवेश होता है, और आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है बिंदु चालक का विभव होता है 1/4πε0Q/R, तो इसका विभव हो जाएगा। अब चूंकि इसका विभव हो जाएगा तो इसकी हम धारिता को लिख सकते हैं, धारिता भी हमने पढ़ा है C=, क्या होता है, Q/V। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हम मान भर दें C=Q/V, तो ये हो गया Q, और V का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें 1/4πε0Q/R, यहाँ से Q Q के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और उसको आप अंश में ले जाएंगे
तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये होता है किसी गोली चालक की धारिता। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। यदि आपको गोली चालक का केवल क्या पता हो, त्रिज्या पता हो, तो त्रिज्या के मान को भर के आप उस गोली चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। इस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे न्यूमेरिकल्स का सेशन का जो वीडियो आप देखेंगे उसमें मैं इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। अभी तो ये मेरा फाउंडेशन क्लास का वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ चैप्टर को आपको फाउंडेशन उसके बेसिक फंडामेंटल को पढ़ा रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो देखेंगे जो IIT JEE नीट पर बेस्ड होगा उस पर मैं इसे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। अब देखिए यदि हम इसको CGS सिस्टम में बात करें तो CGS सिस्टम में आपको पता है कि CGS सिस्टम में जो कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है तो उस समय C किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। मतलब CGS सिस्टम में किसी भी चालक की जो धारिता है, गोली चालक की ना, किसी भी गोली चालक की जो धारिता है वह उसकी त्रिज्या के बराबर होता है, सिर्फ CGS सिस्टम के लिए। ये होता है गोली चालक की धारिता। अच्छा यहाँ पर देखिए यदि आपका यहाँ पर माध्यम में परावैद्युतांक हो, परावैद्युतांक भरा हो तो यहाँ पर K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ जहाँ पर K क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं संधारित्र कैपेसिटर, ये पढ़ेंगे। आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में कैपेसिटर से क्वेश्चन 100% आना ही है। ऐसा कोई फिजिक्स का एग्जाम नहीं होता जिसमें कैपेसिटर से, संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो हम पढ़ते हैं अब संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटर और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोलते हैं। आप कंडेंसर बहुत कॉमन नेम है, कंडेंसर तो आपने सुना होगा। हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में, फैन में, कूलर में, सब में क्या लगा रहता है, कंडेंसर लगा होता है। एक सिलेंड्रिकल शेप का आपने देखा होगा, वो कंडेंसर है। अपन उसको कॉमन कमर्शियल लैंग्वेज हम उसको कंडेंसर कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में वही क्या है, कैपेसिटर, और हिंदी में हम क्या कहते हैं उसको, संधारित्र। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संधारित्र है क्या। संधारित्र को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। सपोज मैंने भी एग्जांपल दिया कि मेरे पास 5 लीटर का कंटेनर है, तो 5 लीटर के कंटेनर को हम 5 लीटर का लिक्विड ही हम भर सकते हैं उसमें, उससे ज़्यादा नहीं। 5 से ज़्यादा यदि हम लिक्विड दिए तो क्या होगा, वो कंटेनर से बाहर गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी देखा गया कि सपोज ये हमारे पास, सपोज ये 2 प्लेट हैं, ये एक प्लेट ए है और इसके पास में हमने एक और प्लेट ले लिया, ये सपोज ये बी एक प्लेट है। अब सपोज हम प्लेट ए को कुछ आवेश देते हैं, हम इसको धन आवेश दिए, तो इसको धन आवेश देने से क्या होगा, ये जो बी प्लेट है उसके अंदर की ओर माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, विद्युत प्रेरण के कारण, क्योंकि किसी भी प्लेट में पॉजिटिव चार्ज देने पर उसके नियरेस्ट, उसके पास के प्लेट में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यदि हम इसको और आवेश देते जाएंगे एक टाइम के बाद क्या होगा, इसकी कैपेसिटी जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 5 लीटर के कंटेनर में 5 लीटर लिक्विड ही भरेंगे उसके बाद वो भर जाएगा, उसी तरह से ये जो सिस्टम है ये और आवेश लेना बंद कर देगा। तो अब इसमें क्या किया वैज्ञानिकों ने, इसमें कुछ इसके स्ट्रक्चर में सुधार किया और उसको इस तरह से बनाया। ये एक पहला प्लेट है, दोनों प्लेट सेम है, सपोज कर लिए वही दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट में कोई चेंज नहीं किया। ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया इस तरह से, और इसके इंटरनल सरफेस में सपोज माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। अब क्या होगा देखिए, इसके आउटर सरफेस में, यहाँ पर आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा, क्योंकि इसका अपोजिट प्लेट है। अब यहाँ पर क्या किया गया, इस सिस्टम में ये पहला वाला फिगर है और सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं क्या किया गया, इसके पृष्ठ का जो बाहरी सतह है, ये वाला जो सरफेस है उसको क्या किया गया, पृथ्वी से जोड़ दिया गया। ये पृथ्वी है,
ये उसके अर्थिंग का सिंबल होता है, ध्यान रखना। और पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। हमारी पृथ्वी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव होता है, वो शून्य होता है। अब इस तरह से जब इसको, इसके दूसरे सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ था वह पृथ्वी के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो पृथ्वी में चला जाता है कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है और अब हम इसको जितना चाहें उतना आवेश और दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस सिस्टम को एक निश्चित मात्रा तक आवेश देने के बाद उसने आवेश लेना बंद कर दिया, लेकिन इसको हम और आवेश दे सकते हैं। और इसी सिस्टम को क्या बोला गया, कैपेसिटर बोला गया, संधारित्र बोला गया। यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। अब इसको हम टू द पॉइंट यदि कहें, इसकी परिभाषा करें, तो संधारित्र किसे कहेंगे? संधारित्र, यहाँ पर आपने देखा कि हम दोनों प्लेट के आयतन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किए। ये वही प्लेट है, ये भी वही प्लेट है, बस इसके बाहरी सतह को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। ये सामान्य प्लेट थे और ये कैपेसिटर हो गया। तो संधारित्र का बहुत सटीक टू द पॉइंट जो डेफिनेशन होता है वो हो जाता है क्या, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब एक डिवाइस है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन या आकृति में परिवर्तन किए बिना, जिसके आयतन या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हम इसको जितना चाहें उतना आवेश दे सकते हैं। तो ये कहलाने लगा क्या, संधारित्र कहलाने लगा, कैपेसिटर। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ इसका डेफिनेशन आपको, संधारित्र का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, क्लियर, ये कहलाता है कैपेसिटर। अब हमको यहां पर पढ़ना है कैपेसिटर का टाइप्स, संधारित्र के प्रकार, जो कि हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक कैपेसिटर आपको एग्जाम में पूछेगा ही, किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप किसी रीजनल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे CBSE के हैं, चाहे ICIC बोर्ड के हैं, ICSE बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैपेसिटर के टाइप से क्वेश्चन 100% आना है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना है। तो पढ़ेंगे अपन संधारित्र के प्रकार, ये अपन पढ़ रहे हैं संधारित्र के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है कि हमारे दो दो प्लेट हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, ये समझ लीजिए, ये मेरे दोनों होल्डर को आप एक प्लेट समझ लीजिए, ये दोनों प्लेट आयताकार भी हो सकते हैं और जैसा मेरा ये चौक है उसी तरह का वो सिलेंड्रिकल बेलनाकार भी हो सकता है। तो दो हमारे पास आयताकार या बेलनाकार क्या है, समांतर प्लेट है। यहाँ पर हम फिगर बना दें इस तरह से, जैसा भी फिगर बनाए थे, एक प्लेट ये है सपोज और ये एक दूसरा प्लेट है। इस तरह से हमने दो प्लेट ले लिया ए और बी, दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब उसकी मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप समझ गए, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, दोनों समान है और दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लो ए है। अब इसको हमने प्लेट ए को प्लस आवेश दिया, तो प्लस आवेश देने से इसके अंदर के सतह में क्या हो गया, माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया और बाहरी सतह को हमने क्या किया है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया है, वी इक्वल टू जीरो। ये कुछ विद्युत बल रेखाएं हम यहाँ पर शो कर देते हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो ए से बी की ओर जा रही हैं और यहाँ पर इसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव प्लेट है और दोनों प्लेटों की बीच की दूरी को हमने मान लिया, मान लो डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये हमारा फिगर हो जाएगा इस तरह से, आप देखिए, और यहाँ पर फिगर के बाद हम नीचे में उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देंगे कि किस किस प्रकार से हमने किसको क्या लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले धारिता की गणना करेंगे, तो आपको मालूम है
कि धारिता का फार्मूला हमारे पास क्या है, C इक्वल टू क्यू अपान वी। सी इक्वल टू क्यू अपान वी से ही पता चलता है कि हमारे पास आवेश तो ऑलरेडी है, ये आवेश है, हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है या क्यू आवेश दिया है। अब हम किसकी गणना करेंगे, विभव की गणना करेंगे, और विभव की गणना करने के लिए हमको क्या गणना करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि तीव्रता के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, विभव की गणना कर सकते हैं। तो यहां पर हम निकालेंगे प्लेटों के मध्य तीव्रता, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एक सिंगल प्लेट होता है आयताकार चादर, गास प्रमेय के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना किया था, वहां पर आपको फार्मूला याद होगा सिग्मा अपान क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहां पर दो प्लेट होने के कारण यहां पर इस तरह से जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इक्वल टू इसका आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, और माइनस हो जाएगा माइनस सिग्मा, क्योंकि दूसरे में क्या है ऋणात्मक घनत्व है, और ये अंतर हो जाएगा दोनों का, अपान हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इंप्लाइज ई इक्वल, यहां पर माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस माइनस निकालना है, माइनस नेगेटिव फील्ड है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 2 सिग्मा में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमने निकाल लिया प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए विभव। अब हम निकाल लेंगे इसका विभव। वैसे यहाँ पर यदि आपको ध्यान रखना है तो एक छोटा सा, कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर आपने क्या कर दिया, तो एक मैं इसका सपोर्टिंग टॉपिक आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नोट करके आप अलग से लिख के रख लेंगे, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा, ये आपको कभी कॉम्पिटिटिव वगैरह में न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आ सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, ये मेरी हथेली को आप एक प्लेट और दूसरी हथेली को दूसरा प्लेट समझ लीजिए। तो दो प्लेट जब होते हैं, इस तरह से मैं फिगर बना दूं, ये दूसरा, और ये दो प्लेट हैं, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, इस पर आवेश घनत्व तो मान लो सिग्मा ए है, और इसमें आवेश घनत्व तो मान लो सिग्मा बी है। इस तरह से यदि इस प्लेट के बाएं तरफ, दोनों के बाएं तरफ मान लो निगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया निगेटिव, और इसका भी बाया है ये, तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे इस तरह से। तो ये फर्स्ट फील्ड हुआ, क्योंकि दोनों प्लेट का बाया पक्ष बाया साइड है। इसका जो सेकंड नंबर का फील्ड होगा, इस प्लेट का राइट साइड है, मतलब पॉजिटिव, और इस प्लेट का निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव फील्ड हो जाएगा। और थर्ड फील्ड क्या है, दोनों का राइट साइड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फील्ड होगा। इस प्रकार से क्या होता है कि दो समांतर प्लेट जो होते हैं वो तीन तरह के विद्युत क्षेत्र निर्मित करते हैं। यदि मैं पहले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, तो E बराबर ये भी निगेटिव वो भी निगेटिव, तो माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। ये फर्स्ट फील्ड में यहाँ पर लिख दिया मैंने E1। और यदि आपको सेकंड फील्ड में जानना है, तो E सेकंड में इसका पॉजिटिव उसका निगेटिव, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और थर्ड फील्ड के लिए मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखूं इस प्रकार से, तो दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ हो जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इसको मैं भी इरेज कर दूंगा। और अभी मैंने इस फार्मूला को यूज़ किया है, आप देखिए क्यों किया है, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट क्या है पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है निगेटिव है, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव निगेटिव, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, तो सिग्मा ए का वैल्यू क्या है अपने पास सिग्मा है, और ये माइनस हो गया, और सिग्मा बी का वैल्यू क्या है अपने पास माइनस सिग्मा है। तो मैंने इस फार्मूला में यहाँ पर पुटअप कर दिया, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये मैंने आपको बताया ये तीन तरह के फील्ड डेवलप होते हैं, ये कहीं भी न्यूमेरिकल्स या काम आएंगे, तो आप उसको ध्यान में रखना कि टू पैरेलल प्लेट्स जो होते हैं वो थ्री टाइप के फील्ड मेंटेन क्रिएट करते हैं, निगेटिव निगेटिव फील्ड, पॉजिटिव निगेटिव फील्ड एंड पॉजिटिव पॉजिटिव फील्ड। क्लियर? तो मैं आपको इरेज कर देता हूं, आगे फिर इस बेस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। अब आप देखिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने कर लिया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हम किसका गणना करेंगे, विभव का। तो इसलिए इसका जो विभव होगा V, या इसको विभवांतर भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा सिरा तो
जीरो है, तो किसी भी चीज में जीरो को माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो विभव विभवांतर एक ही है, तो विभव यहाँ पर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणित दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिया है, डी, क्योंकि विभव बराबर होता है तीव्रता गुणित दूरी, क्योंकि विभव कार्य है और कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, और बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दैट इंप्लाइज वी इक्वल टू, ये हम निकाल के रखे हैं, उसके यहाँ पर पुट अप कर देंगे, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, ये हो गया विभव। अब जब हमने विभव निकाल लिया तो इस फार्मूला में उसको पुट अप कर देंगे, तो इसलिए इसकी धारिता, इसलिए धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन वी से इस फार्मूला में पुट करेंगे, दैट इंप्लाइज C इक्वल टू आवेश बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल। ये सब आपको गॉस थ्योरम में पढ़ाया गया है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो जब प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आप सीरीज के हिसाब से वीडियो देखिए। जैसे ये मेरा चैप्टर मैंने ऊपर में क्या लिखा हुआ है, विद्युत आवेश तथा धारिता पार्ट टू, क्लियर, तो पार्ट टू है तो पार्ट वन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि यदि पार्ट वन को नहीं देखेंगे तो पार्ट टू समझ में नहीं आएंगे। इसके पास पार्ट थ्री पार्ट फोर जितने भी सीरीजेस के आएंगे आपको ऑब्वियसली उसको क्या करना है, वन बाय वन देखना है, अदरवाइज फिर आपको बीच से आप किसी वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आवेश बराबर आएगा आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल, और बटे विभव जो निकाले हैं उसके मान के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दैट इंप्लाइज यहाँ से सिग्मा सिग्मा के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा C इक्वल टू, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दूँ तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये हो जाएगा इसका फाइनल इक्वेशन धारिता के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने दोनों प्लेटों के बीच में माना है वायु या निर्वात, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा है। यदि मान लो इस प्लेट के बीच में हम पूरा क्या है, परावैद्युत पदार्थ भर दें, पूरा प्लेट के बीच में ना कंप्लीट 100% फिलअप कर दें, तो यदि परावैद्युत पदार्थ, मैं आपको चैप्टर के लास्ट में परावैद्युत पदार्थ के बारे में डिटेल में बताऊंगा परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, यदि परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए प्लेटों के बीच में तो उसकी धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू परावैद्युतांक, क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक को वहां पर गुणा कर देंगे और अपान क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा इसका फाइनल इक्वेशन C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपान डी, ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि हमारा पहला कैपेसिटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का कैपेसिटर, तो सेकंड नंबर के कैपेसिटर में हम समांतर प्लेट संधारित्र ही पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर उसका एक कंडीशन है कि दोनों प्लेटों के बीच में कुछ एरिया में, पूरा नहीं, यहाँ मैंने पूरा भरने की बात की थी, कुछ एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखा हुआ है, क्लियर। सेकंड कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र, जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखा हो, ये तो प्रकार आपको पता ही है, मैं इरेज कर देता हूं। अब इसका सेकंड नंबर है समांतर प्लेट संधारित्र, यह भी समांतर प्लेट संधारित्र ही है, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखा हो, समांतर प्लेट संधारित्र ही है, लेकिन मैंने बताया कि प्लेटों के मध्य क्या है, परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से हम इसकी गणना करेंगे, कैलकुलेशन लगभग ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पर ये फिगर, सबसे पहले आपको फिगर ही समझना है, ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, प्लेट ए प्लेट बी दोनों समांतर हैं, दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, इसका आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य में ये
देखिए इन दोनों प्लेटों के मध्य मैंने ये दूसरे कलर से परावर्तित पदार्थ, ये है परावर्तित पदार्थ का प्लेट जो दोनों प्लेटों के मध्य रखा हुआ। अब इसका जो दोनों प्लेटों के बीच का दूरी है उसको हमने d माना है जैसा भी माने थे, और इस परावर्तित पदार्थ की जो मोटाई है, परावर्तित पदार्थ की मोटाई को हमने t माना है, थिकनेस, इसका थिकनेस को हमने क्या माना है t, और इसका जो परावैद्युतांक है वो सपोज क्या है k है। क्लियर। अब यदि हम इसको प्लस चार्ज दें, यदि हम इसको प्लस चार्ज दें इसको प्लेट ए को, तो प्लेट ए को प्लस चार्ज देने से प्लेट बी के अंदर के सतह में माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर के सतह में प्लस डेवलप हो जाएगा, अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ प्लस डेवलप होगा इस प्लेट पे, फिर माइनस डेवलप हो जाएगा प्लेट बी में, और यहाँ प्लस डेवलप होगा उसको हम संपर्क कर देंगे किससे, पृथ्वी से, वी इक्वल टू जीरो से। इस प्रकार से आप देखिए, तो अब दोनों प्लेटों के मध्य में एक परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखा हुआ है, और परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखने के बाद यहाँ पर दो क्षेत्र निर्मित हो गए, एक क्षेत्र ये परावैद्युत पदार्थ के कारण, और दूसरा दोनों तरफ जो गैप देख रहे हैं प्लेट प्लेट और परावैद्युत पदार्थ के बीच में, जो आप जो खाली जगह देख रहे हैं वहाँ पर क्या है, वायु या निर्वात है। तो यहाँ पर हमको दो प्रकार से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा परावैद्युत पदार्थ के लिए और एक वायु या निर्वात के लिए। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं वायु या निर्वात के लिए। सपोज हम वायु या निर्वात की बात करें, तो वायु या निर्वात में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, अब मैं जो भी गणना कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जो भी गणना कर रहा हूँ किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने गणना किया है, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए है, इसलिए विभव, यहाँ पर जो विभव होगा वी, इसको मैं ई नॉट कह दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, वायु निर्वात के लिए है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट इनटू कितने दूरी में, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कितनी दूरी में वायु निर्वात है, यहाँ पर आप फिगर में ध्यान देना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है डी, और टी मोटाई में क्या है प्लेट है, तो बच गया कितना डी माइनस टी, तो वायु निर्वात कितने में उपस्थित है, डी माइनस टी में, डी तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है और बीच में आपने t मोटाई का प्लेट रख दिया, तो d में t को माइनस करेंगे तो d माइनस t क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात के लिए स्पेस हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज, आगे अपन इसको सॉल्व करें, तो v नॉट इक्वल टू e नॉट की वैल्यू को ऊपर से लगा के पुट कर देते हैं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा d माइनस t, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हो गया विभव किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। अब इसी गणना को हम करते हैं किसके लिए, किसी माध्यम के लिए या परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए। यदि हम परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं डायरेक्ट लिखता हूं ई टी, यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें जिसको हमने संकेत कर दिया ई और नीचे में छोटा सा टी लिख लेंगे, तो ई टी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, माध्यम के परावैद्युतांक का एप्सिलॉन नॉट के साथ में गुणा कर देंगे, ये हो गया परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर निकालेंगे अपन उसका विभव, तथा विभव जिसको हम कह दिए वी टी, तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टी, और कितनी मोटाई में परावैद्युत पदार्थ है, टी मोटाई में है, तो यह हो जाएगा विभव बराबर तीव्रता गुणित दोनों प्लेट की मोटाई, उसका थिकनेस। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो वी टी इक्वल टू ई टी का वैल्यू अपने पास ये है, तो हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। ये हमने निकाल लिया दोनों विभव, एक बार विभव निकाल लिया हमने किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, और एक बार हमने विभव निकाल लिया किसके लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए, इसलिए हम अब दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, कुल विभव या विभवांतर, ठीक है, इसलिए इनके बीच का कुल विभव या विभवांतर v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट प्लस v t। दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू v नॉट का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, या सिग्मा अपान
एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस वी टी का वैल्यू हम ये निकाल के रखे हैं तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करें तो दैट इंप्लाइज वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा डी माइनस टी और ये हो जाएगा प्लस ये बचेगा टी अपॉन के, ये हो गया विभव, ये हमने निकाल लिया कुल विभव। अब निकालेंगे धारिता, इसलिए धारिता C इक्वल टू कहाँ से Q अपॉन V से, इस फार्मूला को यूज करें तो दैट इंप्लाइज C इक्वल टू Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल, और V के वैल्यू को हम यहाँ ऊपर से ला के पुट कर देते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सिग्मा सिग्मा के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं तो दैट इंप्लाइज सी इक्वल टू ऊपर जाके हो जाएगा ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये D है और इन दोनों में से मैं यदि माइनस टी को कॉमन कर लूँ तो माइनस टी को कॉमन करूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस वन बचेगा और प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस और टी कॉमन हो जाएगा तो वन अपॉन के, क्लियर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसकी कैपेसिटी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी वन माइनस वन अपॉन के, ये होता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस टी को कॉमन करने के बाद अंदर का जो साइन चेंज होता है उसमें बहुत से स्टूडेंट क्या कर लेते हैं मिस्टेक कर लेते हैं, तो ध्यान देना माइनस टी कॉमन होने के बाद, और कई या तो कई लोग डी माइनस टी को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऐसा नहीं है ना, डी अलग है और माइनस टी का इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, ये कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य क्या हो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखा हुआ हो, यह हो गया सेकंड नंबर का कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर कैपेसिटर जो होता है क्या गोली स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड नंबर देखें कैपेसिटर के फोर टाइप आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको जब अपने बोर्ड एग्जाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, कई बोर्ड में सिलेबस में ओनली टू कैपेसिटर हैं ये दोनों जो मैंने पढ़ाया हुआ है, कई बोर्ड में थ्री कैपेसिटर हैं और कई में फोर हैं जो सिलेंड्रिकल है, तो आप क्या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए आपको पूरे कैपेसिटर पढ़ना जरूरी है और वो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पूरे कैपेसिटर को क्या करना है तैयार करना है, ठीक है। तो अपन थर्ड नंबर कैपेसिटर पढ़ते हैं क्या गोली संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर गोली संधारित्र। अब हमारा जो कैपेसिटर होगा क्या होगा गोलाकार होगा, ठीक है गोले के आकार होगा, तो देखिए यहां पर फिगर हम बनाते हैं, ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है, तो ये दो गोला है ये खोखला है इसके अंदर में इस गोले को रखा गया है, क्योंकि कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट दो सरफेस तो मस्ट कंपल्सरी है। अब यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है यहां पर कि एक वायर बाहर इस तरह से निकला होता है जो इसके साथ में टच नहीं होगा और यहाँ से हम इसको देते हैं प्लस क्यू आवेश, ये सपोज स्फेयर ये ए है और ये सपोज स्फेयर बी है, इस गोले की त्रिज्या को हमने सपोज स्मॉल ए मान लिया और इस गोले की त्रिज्या को मान लो हमने स्मॉल बी, ये बड़ा गोला है इसकी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया स्मॉल बी मान लिया ये। अब जब हम इस अंदर के गोले को प्लस चार्ज देंगे तो इसमें प्लस चार्ज इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा और ड्यू टू इंडक्शन प्रेरण के कारण
इसमें माइनस चार्ज डेवलप होगा और इसके बाहरी सतह का हम संपर्क कर देंगे किसे, पृथ्वी से। यहाँ एक खास बात आप जरूर देख रहे होंगे, वाच कर रहे होंगे कि दूसरे सरफेस का हमको संपर्क पृथ्वी से करना पड़ता है तभी कैपेसिटर वो हो पाएगा। तो बस इसमें फिगर इतना ही है और ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि जब भी हम विभव का मान निकाल रहे हैं तो उससे पहले हम तीव्रता निकाल रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या है, आप सीधा सीधा विभव निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विभव की हमने पढ़ाई किया है और उसका विभव सीधा निकल जाता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गोले ए का विभव। यदि हम गोले ए का विभव निकालें उसको हम वी ए लिख दें तो वी इक्वल हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू, और गोले ए की त्रिज्या क्या है, ए, ये वी ए हो जाएगा। इसी तरह से गोले बी का विभव, यदि हम गोले बी का विभव निकालना चाहें तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी। इसका कैलकुलेशन आसान है, इससे आप क्या निकालेंगे, विभवांतर। इसे विभवांतर वी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, या कुल विभव भी कह सकते हैं। विभवांतर आपको क्या है, कुल विभव भी होता है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज लिखिए क्योंकि इसे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू, चिन्ह सहित यहाँ पर मान को भरें तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए और माइनस 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन है, अंदर बचेगा 1/a माइनस 1/b। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पर लघुत्तम क्या आ जाएगा, दोनों के गुणनफल के बराबर ए बी, तो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो गया विभव। अब आपको पता है कि विभव निकालने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, धारिता की गणना करते हैं, तो इसलिए इसकी धारिता, इसलिए धारिता c इक्वल क्यू अपॉन वी से इसमें मान को भर देंगे। दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू क्यू अपॉन वी का मान यहाँ से निकाला हुआ है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये होगा बी माइनस ए अपॉन ए बी। दैट इम्प्लाइज आगे सिंप्लीफाई करें, क्यू क्यू के साथ कैंसिल आउट होएगा और ये अंश में चला जाएगा, तो सी इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट ए भी ऊपर चला जाएगा ए बी और अपॉन हर में बन जाएगा बी माइनस ए। ये होता है गोली संधारित्र की धारिता।